टेल पाइप के ऊपर। तो एक बहुत बड़ी तब्दीली हमने देखी है, ये जो नाला था, ये जो ऊपर से फीकस स्प्रिंग का जो पानी नीचे आता था, ये तकरीबन सूख चुका था। यहाँ पर चरिंद परिंद के लिए पानी तक दस्तियाब नहीं था। और हमें इसमें एक चीज़ नज़र आती थी, वो ये थी कि बोतलें थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा यहाँ पर रेपर्स होते थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती थी। वो कदरें कम हो गई, लोगों को थोड़ा एहसास हो गया है, लेकिन अब भी हम देखते हैं पानी के अंदर जहाँ बजा बोतलें बिखरी पड़ी हैं। ये हमारा माहौल बचेगा नुकसान से, और इसका हम सबको फ़ायदा होगा, ना कि सिर्फ मरगला हिल्स की खूबसूरती, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी आप जाते हैं, सहराओं में, दरियाओं के किनारे या पहाड़ों में, तो आप लाजमन अपना ट्रैश अपने साथ लेकर आए और उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर लें। शेफ साहब कैसे महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और सुबह सुबह के टाइम अच्छा खासा रिफ्रेश हो गए। बारिशें हो गई, एक मतलब फिर से इस नाले के अंदर पानी आ गया है, क्या कहेंगे? काफ़ी टाइम पहले पानी यहाँ से आता था इस नाले में, और अभी हालिया बारिशों की वजह से ये पानी दोबारा रिवाइव हुआ है, जो हमारा क्लाइमेट दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। लेकिन लोगों को भी ख्याल करना चाहिए कि यहाँ ख्याल करें, एक नेचुरल जगह को ख़राब ना करें, जैसे बॉटल्स हैं, खाने पीने की अशियाँ हैं, स्मोकिंग है। सात बज के 45 मिनट पर मैं यहाँ टॉप पर पहुँचा हूँ, और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे मनाजर। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है आज। आज वैसे लोग कम आ रहे हैं, लेकिन अमूमन संडे के दिन लोग बहुत ज़्यादा ट्रेल 3 और ट्रेल 5 के टॉप तक आ जाते हैं। ये जो हदीस है, सफाई नसीब ईमान है, हम अपनी ज़िंदगियों में इसको बहुत ज़्यादा कोड करते हैं, लेकिन इस पर हमने कभी अमल नहीं किया। मैं जब ऊपर टॉप तक गया तो मैंने देखा जा बजा कचरा फैला हुआ है। वैसे भी क्लाइमेट चेंज के असरात इस पूरे प्लेनेट पर नज़र आ रहे हैं, हमें हमारी आंखों के सामने है, डिज़ास्टर्स हम देख रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके हर आदमी अपना किरदार अदा करे तो आने वाले वक्तों में ये माहौल साफ़ और सुथरा रहेगा। कचरा ट्रेल 5 से लेकर आए हैं, ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ है। हमने तो 1% जो है आज ये कह सकते हैं कि बोतलें उठाई हैं, जा बजा बोतलें आपको मिलेंगी, बिखरी पड़ी हैं, और लोगों को चाहिए कि अपनी लाई हुई बोतलें वापस लेकर आएँ, और ये कचरा इस तरह से ला के ना इस कचरा कुंडी में डस्टबिन में डाल दें। और इसके अलावा मैं आपको दिखा सकता हूँ और ढेर सारा कचरा हम लेकर आए। ये सारी बोतलें हैं जो कि हम लेकर आए हैं, अपने बैग के अंदर डाल के लेकर आए हैं, और ये हालत है इस मुल्क का, ये हाल है। आप देखें इतनी बड़ी तादाद में बोतलें हैं, दोस्तों से, तमाम हाइकर्स से, प्रोफेशनल हाइकर्स से मेरी गुजारिश है कि कोशिश करें जितना भी ट्रैश है वो अपने साथ लेकर आएँ और इन्हीं डस्टबिन में डालें, कोई दूर नहीं है। जो भी रेपर्स हैं ला के आप डस्टबिन में डालें, यहाँ से प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ होगा, वरना इस ट्रेल का तो अल्लाह ही हाफिज़।